हो, अबे कितने महंगे भाई साहब, 649 रुपए, 279 रुपए, 450 रुपए, 499 रुपए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो कितने कॉस्ट डील चक मिल रहे। और गाइस यकीन मानिए, इसे लाकर मुझे ऐसा लग रहा है भाई जैसे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, इसे 5 रुपए बनाया जा सकता है। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे डील चक कैसे बनाया सिर्फ 5 रुपए में, आपके लिए 5 रुपए, मेरे लिए तो फ्री में। लेकिन मैंने गाइस, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान, सारा कबाड़ा नहीं कहेंगे, इतना सारा सामान पड़ा है, मतलब पुराने चीजें पड़ी हैं, जैसे गाइस मैं बहुत इजीली बना दूंगा। और गाइस अगर आपके पास सारी चीजें पड़ी हैं, मैंने गाइस आप भी बना सकते हो। गाइस यकीन मानिए भाई, आज मैं बहुत एनर्जी के साथ हूं और काफी मस्त लग रहा है बैकग्राउंड। चलिए दोस्तों, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ये है भाई से D2H का कार्ड, जो कि फ्री डिश होती है। तो भाई ये कार्ड आपको बहुत इजी मिल जाएगा, आपको घर में मिल जाएगा। गाइस आपके घर में कभी लगी होगी, वरना गाइस 5 रुपए का आपको इजीली मिस्त्री की दुकान में मिल जाएगा। और गाइस मुझे तो खैर फ्री दे देते हैं, क्योंकि गाइस मैं आते जाते रहता हूँ, तो इतना तो जान पहचान होगी। तो भाई देखिए, ये जो सॉकेट है ना, वैसा ये है काम की चीज, आपने कभी सोचा नहीं होगा इनसे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन गाइस काफी बार ऐसा होता है कि बाई चांस ये पुराना नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, आपका भाई है अभी हम जिंदा है, जिंदा है, खुश हो लो यार, जिंदा हूँ मैं। देखिए भाई साहब, मैं ये लेकर आया सिर्फ आपके खातिर, आपके खातिर। मेरी नाक बंद हो रही है, इसमें मैं नाक में कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब, 5 रुपए का मिला मेरे को भाई, पता नहीं ये उसने फ्री क्यों नहीं दी मेरे को। ये देखिए भाई, तो भाई ये भी आप यूज कर सकते हो, जो डिश का वायर होता है ना, केबल, उसे जोड़ने का काम आता है। तो डिश का सॉकेट आप कह सकते हो, काफी मस्त चीज है, ठीक है। तो भाई मैं आपके लिए ये पुराना यूज कर रहा हूँ, आप इसका भी यूज कर सकते हो, किसी भी एक का, ठीक है ना, काफी टाइप का आते हैं। अब भाई साहब इसे निकालने के 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो भाई ये कि सोल्डिंग आयरन से आप इसे निकाल सकते हो, और भाई दूसरा तरीका आपको पता ही है, जो कि सबको पता है, जैसे कि अब ना निकल रहा, 200 तरीके अपनाना पड़ेगा। देख रहा है, तो भाई साहब सीधा काट दो। गाइस यकीन मानिए, ये बहुत मस्त कार्ड है, इसमें ऐसे ऐसी चीज कंपोनेंट्स लग रहे हैं, मतलब भाई इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन जाएगी। अगर गाइस इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, बहुत मस्त कार्ड है। चलिए फटाफट ये इस पर आते हैं। इसकी जो प्लेट ना, ये हमें निकालनी है, बहुत ईजी निकल जाती है यार, आपके सामने निकाल लो, मैं कोई वाली बात नहीं है। अंदर जो इसके प्लास्टिक है ना, ये भी निकालना, हमें बिल्कुल इसे खोखला करना है। अगर ये हो जाए तो हो तो जाएगा ही, खैर पता ना किससे टक्कर ले रहा। मैं भी यही बैठा हूँ, मर्द का बच्चा है तो करके देख। अरे मान लिया, अरे सुपरा जाती खतरनाक है, तो मुझसे याद है, मैं भी डर गया। भाई साहब यकीन मानिए भाई, बड़ा मुश्किल से निकालना, तो यार काफी सारे तरीके हो सकते हैं। ड्रिल मशीन से होल कीजिए तो भी निकल जाएगा, लेकिन यार ये जो थ्रेडिंग है ना, चूड़ियां, इन्हें हमें खराब नहीं करनी, इनका बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक में। तो भाई हम इसे हीट करेंगे, राक्षस वाली सी जल गया। तो भाई हम इसे करेंगे प्यार से हीट, इसका डिब्बिया बन गया। देखिए मक्खन निकल रहा है ना, अरे मैं तो पता ही ससुरा, ऐसे ना मानने का, बिल्कुल भड़ा करके भाई से चमका देंगे। तो भाई साहब बिल्कुल खाली खोखला, हुलुलुलु मैंने ऐसा कर दिया, बिल्कुल मस्त। तो भाई अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 12 वोल्ट का डीसी मोटर, आप कोई भी डीसी मोटर ले सकते हो, उसमें 550, 555, 775, 795 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये काफी पावरफुल, काफी हाई टॉर्क का एक डीसी मोटर है, काफी मस्त इसमें काम करेगा। लेकिन भाई अब मेन चीज ये है कि भाई इसको इस शाफ्ट में फिट करना है, वो परमानेंटली, जिससे गाइस क्या होगा भाई, ये भागे ना इधर को। और भाई इसका देख सकते हो, और इस बेचारे के पतलापन देख सकते हो, कितना लुल्लू सा है, कैसा आ जाएगा। तो भाई इसी को तलाना है। लेकिन गाइस मैं आपको पतले मोटर का शाफ्ट इस मारे दिखा रहा हूँ, जिससे गाइस आप ये जुगाड़ लगा जो आपको बता रहा हूँ, कोई भी मोटर इसमें फिट कर सको। तो गाइस इसकी शाफ्ट हमें सोल्डिंग करनी है। तो भाई मैंने वायरिंग कर ली है, लेकिन इस पर सोल्डिंग होगी नहीं जब तक गाइस अच्छे से घिसेगा नहीं। तो गाइस मैंने जोड़ लिया है पावर सप्लाई से, और 12 वोल्ट दे दिए हैं, और भाई बस अभी भाई घिस चुकी है, तो आसानी से सोल्डिंग हो जाएगी। तो गाइस मेरे पास कुछ खराब वायर पड़े थे, मतलब खराब तो नहीं, लेकिन छोटे टुकड़े पड़े थे, जिससे गाइस हम फेंक देते हैं। तो भाई ये बड़े काम की चीज है, भाई इनमें क्या करूंगा, इन्हें मैं छीलूंगा, और आप समझ रहे हो कि मैं करने के वाला हूँ। अगर नहीं समझ रहे हो तो देखते रहो, कोई टेंशन ही नहीं है। और वायर आपको ऐसे लेने हैं, अगर आप एक सिंगल वायर ले लो गाइस, थोड़ा मोटा, तो वो काफी अच्छा रहेगा, वक्त बच जाएगा आपका। तो इस तरीके से करो भाई, से ना ऐसे लपेट लो भाई, इसकी शाफ्ट पे अच्छे से कर लो सोल्डिंग, लोंडा खुश है जो बात है। और भैया बस बहुत है, और भाई अब इस वायर को अच्छे से लपेटो। अगर आपके पास सिंगल कॉपर का वायर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई ये भी चलेगा, दौड़ेगा। और आप इस जुगाड़ो किसी भी मोटर पे यूज कर सकते हो, देख रहे हो भाई, बिल्कुल सेट हो गया लोंडा, होगी शाफ्ट मोटी, अभी और मोटी करनी है तो और मोटी कर सकते हो। तो गाइस अब इसको लगा के देखेंगे भाई, देखिए इतना इनफ है। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल फिट आ रहा है जो बात है, अगर वैसे अंदर आपको दिखेगा तो नहीं, ठीक है, फिर भी अगर शायद दिख जाए तो देख सकते हो, मतलब ठीक है, ये ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहिए। अब फटाफट हम इस पर इसे सोल्डिंग कर देते हैं। तो भाई इस पर पहले अच्छे से सोल्डिंग कर दो, जो ये तुरंत एकदम से लपक ले कैच की तरह, देखो बहुत आसानी से सोल्डिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस लोंडे की बात कर रहा हूं। और भाई अगर आपको थोड़ा सा बदला लग रहा हो, तो गाइस मैंने इसे घिस दिया है, घिसने के
बाद ही अच्छे से सोल्डिंग होती है, वरना सोल्डिंग होती नहीं है। तो भाई है ये वही देख सकते हो। तो गाइस अब इसे यहाँ पे सोल्डिंग करना है, लेकिन सोल्डिंग में काफी दिक्कतें हैं ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो भाई इलाज है, पहले स्टर ग्लू से मार लो थोड़ा थोड़ा पॉइंट हल्के लगा, जिससे ये थोड़ा सा सीधा लग जाए ना, घूमेगा टेढ़ा में क्या फायदा। तो ये रुक जाएगा स्टर ग्लू से, पहले थोड़ा सा सुखा लेते हैं इसे, और पता भी लग जाएगा भाई टेढ़ा तो नहीं है। उसके बाद इस पर सोल्डिंग करेंगे, इस पर करेंगे अब सोल्डिंग। तो भाई इस तरीके से अच्छे से सोल्डिंग कर दिए। तो गाइस देखिए क्या मस्त और मजबूत जॉइंट लगा है, और भाई देखते हैं कि इसका बैलेंस ज्यादा तो नहीं खराब है। भाई वाह गाइस बहुत बढ़िया, बिल्कुल मस्त काम कर रहा है, काफी मजबूत भी है। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा सा घिसके थोड़ा सा मस्त बनेंगे। तो देखिए गाइस बिल्कुल प्लान हो गया है, और भाई कोई नहीं कहेगा इसके अंदर ना वायर भरे हैं यहाँ पर। डन डन। अब आते हैं भाई इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो गाइस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कुछ चीजें, यह है लिको फेको पेन और यह है कुछ पुराने ब्रश। और गाइस वैसे भी अगर मैं आपको इसका नाम न बताता तो आप कौन सा ऐसा मगरमच्छ समझ लेते भाई, ब्रश है आप देख रहे हैं जो बात है। यार मुझे सबसे सिंपल जो लग रहा है ना ये लग रहा है लिको फेको पेन, ये तो नहीं होगा भाई, ये भी काम कर सकता है, मतलब इससे भी आप कर सकते हो। तो यार इसमें मतलब रबड़ सबड़ दे रखी है भाई साहब, जो बात है मतलब मस्त मामला है। गाइस अगर ये लोगे तो भाई साहब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको गोल ही बनाना है इसका। तो भाई मैं सो अपने भाइयों से क्यों मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो हम कोई भी इस तरह का लिख कर फेंको, अगर इससे होता ठीक है, वरना तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो भाई पहले तो थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे, बाद में देखेंगे कितना कम काटना। वाह मैंने अप्रोक्स 1.5 इंच पार्ट कट किया है, और गाइस मैं यहाँ तक लगाता हूँ मार्किंग, इतना पतला करना जो इसके अंदर आ जाए। और गाइस इसके अंदर आपको मोटर की शाफ्ट चमक रही है, बीच में बिल्कुल दिख रही है ना, गाइस इसका बहुत बड़ा रोल है। थोड़ी सी बाहर निकाल कर रखनी, जैसे मैं निकाल रखी इसमें, और भाई तो थोड़ा सा घिसेंगे। तो गाइस मैंने इतना घिसा है कि देखिए इसके अंदर इजीली फिट आ जाए, यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है। अब भाई साहब इसके अंदर हमें थोड़ा सा होल करना है, इस शाफ्ट के बराबरी मैंने इसमें होल किया है, जो मोटर की शाफ्ट है। तो भाई अब मैं इसे कट कर देता हूँ, और गाइस मैंने फिर इसे ड्रिल चक में लगा लिया है। तो गाइस मेरे हाथ थोड़े से सहम हो गए हैं, क्योंकि ड्रिल मशीन के अंदर ये टायर रह गई थी घूमते वक्त। खैर कोई नहीं, मैलाते वो नहीं है, सफेद कलर है, इसके अंदर ये इजी आ रहा है, देख सकते हो मस्त बिल्कुल। अब इसके अंदर में एक ऑपरेशन और करना है, इसे निकाल लेता हूँ, निकल जाए तो हमें इसे कट करना है, चाहे तो इसके अंदर भी कट कर सकते हैं लगाकर तरीके से बारीकारी से। तो गाइस आप चौथे से किसी नाइफ से कट कर सकते हो, लेकिन उससे हाथ में लगने का चांस है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आ रहा हूँ आराम से, ये ज्वेलरी साहब काफी बारीक काट देगी, तो मैं इसे कट करता हूँ, एक बार कट लग जाए बस यार से बिल्कुल। या भाई इस तरीके से प्लायर में फंसा कर आराम से सेफ्टी के साथ काट लो। तो भाई इसका मैंने प्लस काट लिया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने साफ कर दिया, और भाई इसके अंदर आसानी से ड्रिल चला जाएगा, ये बिट देखिए चला गया इसलिए, और भाई इसे पकड़ लेगा देख सकते हो, तो ये घूमेगा नहीं, देखिए टाइट है और ऐसा आराम से निकल गया। तो मैंने प्लस में काटा है, देखिए 1, 2, 3, 4, और भाई आप इससे मोटर ड्रिल बिट भी लगा सकते हो इसमें, चलिए आपको लगा के दिखाता हूँ। तो भाई इससे मोटर बिट ये रहा, ये भी इसके अंदर देखिए बिल्कुल भले आ रहा है मस्त। तो गाइस ये इससे मोटर बिट है, तो भाई इसके अंदर ये थोड़ा सा हाँ देखिए आ गया, देख सकते हो देखिए यहाँ से ये खुल गया है, और भाई इसे आराम से निकाल भी सकते हैं, निकल जा देखिए यहाँ पर जो होल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और इसके अंदर जो शाफ्ट है वो इसमें फंस जाती है, ठीक है। तो भाई ये इधर उधर नहीं घूमेगा, और भाई देख सकते हैं यहाँ से हो गया। अब आते हैं भाई टाइट कैसे होगा, रोकेंगे कैसे इसे, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, इसे बिल्कुल एंड तक कर ले, देखिए बस ये शाफ्ट से टकरा गया है, तो बिल्कुल यानी कि इसकी सीध में है। तो गाइस ये रहा है इसका जुगाड़, जो कि देख सकते हो मेरे भाई इसके नट ये भाई से इस हिसाब से बने हुए, तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा है, मैं इसे यहाँ से काट दूंगा। चाहे तो गाइस आपसे ऐसे बने तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अगर ऐसा आता है ठीक है, वरना तो काट लेंगे, इस तरह देखिए इसमें फंस जाएगा। भाई वाह भाई अब टाइट हो गया, देखिए बन गया गाइस आपका ड्रिल चक, और गाइस इसे निकालते हैं, देखिए बिल्कुल टाइट हो जाएगा, देख सकते हो निकलेगा नहीं, ठीक है बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। तो भाई आप इसे यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है ना, और देखिए ये पूरा ही निकल गया आसानी से। और एक बात और, ये बना क्या है गाइस इसे जानते हो, ये जो बना है ये ही बना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के, तो भाई देखिए ये वही है। तो गाइस आपको छोटे या पतले बनाने हैं, ड्रिल बिट की मोटाई पतले जैसे भी हो आपको उसके हिसाब से ये सारे बना लेने हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया बनाकर कि गाइस देखिए मैंने इस तरीके से इस बिट के हिसाब से इसे बनाया है। तो भाई आपका दूसरा बनाए उसमें छोटा होल करे, बीच बड़ा बनाए तो उससे बड़ा होल करे, तो ये चार पांच ऐसे बन जाएंगे बहुत इजी। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, आप और भी बना सकते हो। इसके बारे में गाइस शायद आप जानते हो, मैंने काफी वीडियो दिखा दिया है, और इसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चले गाइस अब बहुत टाइम हो गया, फटाफट गाइस इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस ये टेस्टिंग के लिए पीवीसी पाइप की शीट, और भाई ये वैसे हल्के फुल्के काम के लिए होते हैं, ये भी हल्के फुल्के काम के लिए होते हैं, लोहे में होल नहीं कर सकते, लकड़ी में प्लास्टिक में आप इजीली इनसे कर सकते हो। तो गाइस ये भी इसी तरीके से काम करेगा, आप करके देख सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चले गाइस फटाफट टेस्टिंग करते हैं, मजा आने वाला है। चलिए तो गाइस मोटर को चलाने के लिए मैं इस पावर सप्लाई का यूज करूंगा, आप बैटरी का भी यूज कर सकते हो। तो भाई ये रहा, भाई वाह भाई वाह, और स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, भाई वाह मक्खन बिल्कुल देख रहे हो, रुक भी नहीं रहा देखे। ये तो कर गाइस मोटर की बात है, रुकना रुकना, बाकी चक तो मारा मस्त काम कर रहा है, मक्खन देखे भाई देखे, मोटर रुक गया, देखे हमारा बिट नहीं रुका देखे। तो गाइस हमारा जो ये ड्रिल चक है बिल्कुल देखे, मोटर रुक जाएगा,
और गाइस ऊपर से मैं अपने पावर सप्लाई चला रहा हूँ तो थोड़ा कम एम्पीयर मिलने, अगर आप बैटरी चलाओगे तो मोटर नहीं रुकेगा। और भाई सीट का हाल आप देख सकते हो, कितने सारे होल कर दिए और भाई हमारे ड्रिल बिट इतना सा भी स्लिप नहीं हुआ है बल्कि गाइस मोटर तक रुक गया है। तो गाइस आप इस चक्की मजबूती का यानी कि ड्रिल बिट कितना मजबूत तरीके से पकड़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो गाइस ये रिप्लाई 300 की, इसमें करके देखते हैं। मुझे लगने लगा इस हमारा मोटर इतना पावरफुल है, अगर 775 होता आसानी से कर भी देता। फिलहाल तो गाइस हम मोटर की टेस्टिंग नहीं कर रहे, इस चक्की मजबूती की टेस्टिंग कर रहे। तो भाई देखते हैं भाई, वाह, अरे वाह भाई साहब मजा आ गया। देखिए कितने आसने 300 की प्लाई में होल कर दिया, देखिए आपका सामने बिल्कुल लाइव है ना। तो गाइस सेकंड मारने मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। एक बात और मैं आपके साथ खोल के दिखाता हूँ, कभी बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि इंस्टेंट ग्लू फेवर डाल देते हैं कि निकले ना, वैसे मैंने काफी टाइट करा दी, ये बहुत इजी निकल गया है। देखिए भाई साहब देखिए आपके सामने गुला है, मैंने किसी भी तरह कोई भी इसमें ग्लू नहीं लगाया, फिट भी आसने से निकल गया। तो गाइस मैं वैसे ही वीडियो रियल बनाता हूँ, आपको अच्छी तरह पता है भैया मैं कोई फेक चीज नहीं देता, क्योंकि गाइस आप बना के देखोगे जो आप बनाओगे उस वक्त धोखा देखिए तो क्या फायदा है। तो भाई देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने अच्छे से, तो भाई मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतना मजबूती काम करेगा, मतलब बिल्कुल भी इतना सा भी स्लिप नहीं हुआ और भाई साहब 300 की प्लाई में भी बहुत ईजी होल कर दिया, क्या बात है यार। तो गाइस आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गाइस मैंने आपको हर चीज बिल्कुल टेस्ट करके दिखाई है और गाइस जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।